एवरीवन, दिस इज अर्पिता, योर वॉकिंग विद हर्पी। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल प्रेफरेंस लिस्ट देने वाली हूँ। मैं आपको टॉप 10, 20, 30 कॉलेजेस नहीं बताने वाली, बल्कि एक प्रेफरेंस लिस्ट आप कैसे पूरी अच्छे से अपने खुद से अरेंज कर सकते हो, बीच बीच में कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, सब बताऊँगी। पूरे 40+ कॉलेजेस मैंने इंक्लूड करे हैं, ठीक है? तो आराम से वीडियो को बैठ के देखो एंड सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, राइट? शेयर भी कर देना वीडियो अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि ऑफकोर्स उनको ही ज़रूरत होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं सेंट स्टीफन से। सेंट स्टीफन हम सबको पता है कितना बेहतरीन कॉलेज है, आई डोंट थिंक कि मुझे सेंट स्टीफन के बारे में बताने की ज़रूरत है। देन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अगैन बहुत बढ़िया कॉलेज, इसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाती है। फिर हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज भी हमारा कोएड कॉलेज है नॉर्थ कैंपस का, वेरी 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 गुड कॉलेज। फिर है लेडी श्री राम कॉलेज, साउथ कैंपस का विमेंस कॉलेज है बट काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने इसको फोर्थ नंबर पे रखा हुआ है। फिर उसके बाद है हंसराज। हंसराज सबको पता है नॉर्थ कैंपस का बहुत बढ़िया कॉलेज। अगर किसी को नॉर्थ कैंपस ही पर्टिकुलरली टारगेट करना है तो आप लेडी श्री राम को हंसराज के नीचे डाल सकते हो, या फिर नॉर्थ कैंपस के कॉलेज के नीचे डाल सकते हो। मैं एक आइडियल लिस्ट आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी प्रायोरिटी आप पे डिपेंड करती है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबको ही अपनी अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है, ठीक है? फिर है हमारा मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस फिर से हमारा गर्ल्स कॉलेज है नॉर्थ कैंपस का, ठीक है? अगर आप कोई ऐसे हो जो कोएड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो तो आप लेडी श्रीराम और मिरांडा को थोड़ा सा हंसराज के नीचे डाल सकते हो, या फिर आप विमेंस कॉलेज को ज़्यादा टारगेट कर रहे हो तो मिरांडा को भी हिंदू के साथ रख सकते हो, हिंदू के नीचे ही रख देना, ठीक है? फिर उसके बाद है रामजस कॉलेज। रामजस के बाद है हमारा केएमसी। केएमसी के बाद है हमारा वेंकी, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज के नाम से हम इसे जानते हैं, एकदम पूरा नेम बट शॉर्ट में हम इसे प्यार से वेंकी बुलाते हैं। वेंकी भी हमारा साउथ कैंपस का SRCC है, और वेंकी को अगर आप चाहो तो नीचे रख सकते हो क्योंकि साउथ कैंपस का कॉलेज है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो। बाकी आइडियली वेंकी की पोजीशन यही होनी चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद है हमारा SDTV खालसा कॉलेज, ये भी नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है फिर से। फिर है दौलत राम कॉलेज। फिर है IPCW। IPCW को मैं एक्सप्लेन करूँगी, दैट इज़ इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वीमेन, ठीक है? ये भी वीमेंस कॉलेज है। फिर है जीसस एंड मैरी कॉलेज। जीसस एंड मैरी कॉलेज साउथ कैंपस का वीमेंस कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है? देन है DCAC, इसका फुल फॉर्म है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। फिर है गार्गी कॉलेज, दैट इज़ माई कॉलेज, ठीक है? फिर उसके बाद है ARSD कॉलेज, दैट इज़ आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज। मैं आपको सबके फुल फॉर्म भी बताते जा रही हूँ ताकि आप लोग को पता रहे। अब देखो, कोई यहाँ पे ऐसा है जो कि गर्ल्स कॉलेज को ज़्यादा टारगेट कर रहा है तो आप गार्गी को DCAC के ऊपर रख सकते हो। अगर कोई कोएड को ज़्यादा टारगेट कर रहा है तो आप गार्गी को SBSC जो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उसके नीचे भी रख सकते हो, ठीक है? तो हम ARSD तक आ गए थे। ARSD के बाद है हमारा शहीद भगत सिंह कॉलेज। फिर उसके बाद है कमला नेहरू कॉलेज। कमला नेहरू फिर से हमारा विमेंस कॉलेज है। अब देखो, किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे अपनी प्रेफरेंसेस ऊपर नीचे करनी है, कैसे मर्ज करनी है, तो आप लोग की ही डिमांड में मैंने अपनी पेड प्रेफरेंस वाली सर्विस भी स्टार्ट कर दी है। अगर आपको पेड प्रेफरेंस बनवानी है मेरे से तो वो हमारी स्टार्ट हो जाती है 249 से, दैट इज़ वेरी मिनिमल, क्योंकि कंसिडरिंग कि आप लोग अभी इतना ठीक ही, आप लोग के हिसाब से है ना, ज़्यादा चार्ज नहीं भी करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, मेरे हिसाब से आप लोगों को खुद से ही प्रेफरेंसेस बनानी चाहिए। मैं आपको चैनल में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, बट फिर भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है, या फिर इस टाइम पे बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टा पर भी आप DM कर सकते हो रिगार्डिंग पेड प्रेफरेंसेस। अगर आपको कोई डाउट भी है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो अपन वापस से आते हैं। हम कमला नेहरू तक पहुंच गए थे। फिर है हमारा मोतीलाल नेहरू कॉलेज। मोतीलाल कोएड कॉलेज है, ठीक है? ठीक ठीक कॉलेज है, साउथ कैंपस का है। देन है मैत्रेयी कॉलेज। मैत्रेयी के बाद है हमारा SGGSCC, सच आ बिग नेम। अब इसको मैं डिकोड करती हूँ कि इसका पूरा नाम क्या है, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। हाँ यही है, ठीक है, यही है, ठीक है। ये ऑफ कैंपस के कॉलेज हमारे स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद है आर्यभट्ट कॉलेज। आर्यभट्ट फिर से साउथ कैंपस का कॉलेज है, बट हमारा जो SGGSCC है वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है? फिर उसके बाद है हमारा आर्यभट्ट हो गया था ना, ठीक है? फिर आर्यभट्ट के बाद CVS है। CVS फिर से हमारा साउथ कैंपस का कोएड कॉलेज है। फिर है रामानुजन। रामानुजन के बाद है जाकिर हुसैन। देखो, जिसमें ना ऐसे रेड रेड लगा रखा है ना, वो सारे वुमेंस कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो हाईलाइटेड है, ठीक है? जाकिर हुसैन के बाद है हमारा शिवाजी कॉलेज। शिवाजी के बाद लक्ष्मीबाई कॉलेज। लक्ष्मीबाई के बाद है हमारा सत्यवती। सत्यवती हमारा कोएड कॉलेज है, ठीक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आएगा सत्यवती के बाद। फिर है राजधानी कॉलेज। राजधानी कॉलेज के बाद देशबंधु कॉलेज। देशबंधु के बाद PGDAV कॉलेज। ये भी ऑफ कैंपस का कॉलेज है बट इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, ये आपको लाजपत नगर साइड देखने को मिलता है, तो बढ़िया है, ठीक है? लाजपत नगर बहुत पॉश एरिया है हमारे दिल्ली का।
फिर है कालिंदी कॉलेज, कालिंदी कॉलेज थोड़ा वुमेन्स कॉलेज है, ठीक है, ऑफ कैंपस का। देखो ऑफ कैंपस के जो वुमेन्स कॉलेज है ना उनको मैं आपको लेस टारगेट करने को बोलूँगी। साउथ कैंपस तक आप अच्छे खासे वुमेन्स कॉलेज टारगेट कर सकते हो, क्योंकि साउथ कैंपस के एंड नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं वुमेन्स वाले स्पेशली वो अच्छे हैं, ठीक है। कालिंदी के बाद है हमारा श्यामलाल कॉलेज, देन है जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, फिर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, फिर है श्री अरबिंदो इवनिंग कॉलेज। आप लोग इवनिंग कॉलेज भी ट्राई ज़रूर करना, ठीक है, जिनका कम स्कोर है आप लोग स्पेशली ट्राई करना। फिर है सत्यवती इवनिंग, सत्यवती इवनिंग के बाद लास्टली श्यामलाल इवनिंग। अब देख रहे हो श्यामलाल को मैंने कहाँ रखा है, ये एक्चुअल पोजीशन है श्यामलाल की, बट आप लोग को बता दिया जाता है कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, टॉप 10 में भर दो आप भर दोगे, ये नॉर्थ दिल्ली का कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस का नहीं है, ठीक है, माइंड इट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वन। आपको जरा सी भी हेल्प हुई हो तो यार प्लीज़ मेरी भी हेल्प करके सब्सक्राइब कर दो, ओके, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बाय बाय।